झारखंड रे देखिबा को मिलिछि महाराष्ट्र रो साइड इफेक्ट। झारखंड रे जेडीयू परे एबे एलजेपी एकाकी निर्वाचन लड़िबा को निष्पत्ति नेबा सहित प्रार्थी को नाम भी घोषणा करिछि। केवल सेति कि नुहे बीजेपी पे आहुरी अड़ुआ रहिछि। एनडीए अंशीदार माने एबे समन्वय कमिटी गठन करबा को दाबी करिछन्ति। महाराष्ट्र रे शिवसेना परे एबे बीजेपी को अन्य सहयोगी दलगुड़िक आखि देखाइबा आरंभ कले। जेडीयू परे एबे एलजेपी मध्य एनडीए रे समन्वय कमिटी गठन करने को दावी उठाई। कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम साथियों को संजो के रखने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की आती है। हम लोग का अलायंस वैसे भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग का अलायंस जो है बिहार प्रदेश में हम लोग का अलायंस है। बाकी प्रदेशों में हम लोग चाहते जरूर है कि बिहार में हम लोग का इतना खूबसूरत अलायंस और इतनी मजबूती से हम लोग यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप 2020 के भी चुनाव देखिए, इतना बेहतरीन हम लोग का परिणाम आएगा बिहार में। तो हम लोग चाहते जरूर है कि और ऐसे प्रदेश जहां पर हम लोग का एक कॉमन जनाधार है वहां पर भी हम लोग अलायंस के तहत चुनाव लड़े। बट अगर समय रहते अगर क्लैरिटी उस पर नहीं होती है तो मुझे लगता है बाकी दल भी स्वतंत्र हैं अपने बारे में निर्णय लेने के। पूर्व जेडीयू मध्य एभली दावी करिथिला। दल दल मध्य समन्वय रखा लगी व्यवस्था रहा उपरे गुरुत्वारोप करिछन्ति बीजेपी रा सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी के रवैये की वजह से आजसू एलजेपी अपना रास्ता अलग अख्तियार कर चुकी है। जेडीयू पहले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है, वहां कोई एनडीए नहीं। एलजेपी आसंता झारखंड विधानसभा निर्वाचन पर 10 प्रार्थी को नाम घोषणा कर सारे। विधानसभा निर्वाचन में मोट 50 आसन प्रार्थी देवा प्रस्तुति आरंभ कर एलजेपी। सेपटे झारखंड पूर्व ही जेडीयू अलग निर्वाचन लड़ुची। दिल्ली में भी झारखंड पूरी बीजेपी को उपेक्षा कर एकाकी निर्वाचन लड़ी पारती जेडीयू और एलजेपी। एनडीए मतभेद वृद्धि पाता बेले कांग्रेस कटाक्ष करने को पछाई नहीं। एसत बीजेपी सहयोगी दल को परामर्श भी दे सबका साथ और खुद का विकास करते हैं। अलायंस पार्टनर में ओल्डेस्ट अलायंस उनका शिवसेना। जरूर जरूरत होगी तब कहा होगा कि 50-50 जरूरत खत्म हो गई, तू कौन मैं कौन। पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली, जब तक जरूरत थी चलाया साथ, फिर बिना तलाक बोले महबूबा जी से तलाक ले लिया। अब जो और अलायंस पार्टनर है मैं मानता हूं उनके लिए भी अब आंखें खुलने का वक्त आ गया है। और एनडीए रे जारी रही मतभेद। महाराष्ट्र में अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होता बेले निर्वाचन पूर्व झारखंड में एनडीए रे देखा देता मतभेद बीजेपी को समस्या रे पकाई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। दिल्ली में पुणि प्रदूषण। राज्य सरकार का विभिन्न प्रतिकारमूलक पदक्षेप सत्वे एयर क्वालिटी इंडेक्स स्थिर स्तर कमुना। आज दिल्ली में हाराहारी प्रदूषण स्तर रही 472 चांदीन चौक में सर्वाधिक 751 बेले नोएडा 514 आईआईटी दिल्ली में 500 लोधी रोड में 472 रही। प्रदूषण को दृष्टि रखी दिल्ली सरकार आज और आसंता समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा कर। गाजियाबाद और नोएडा में मध्य आसंता काल जाए स्कूल बंद रपटे आसंता काल पर्यंत दिल्ली में युग्म अयुग्म नियम लागू र। एंजॉय तो नहीं कर पा रहे एक्चुअली। सुबह सुबह इतना पोल्यूशन होता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। लोधी गार्डन में सुबह से इतनी स्मॉग था कि मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। सो खेल भी नहीं पाते ठीक से। छुट्टियाँ तो वैसी पड़ गई, अब एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम का टाइम है अभी, जो 12th के बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है अभी, उनके बोर्ड्स होते हैं 10th के बोर्ड्स, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मतलब छुट्टी तो मतलब सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से इंडिया गेट को धुंध ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। धुंध की एक चादर जो है आपको नजर आएगी। और अगर सफर की बात करें, अभी मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वो हम आपको दिखाएं, तो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 है। PM 2.5 सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। आपको बता दें कि चांदनी चौक जैसी जगहों पर 700 से ज्यादा पार कर चुका है। मैं अगर आपको तस्वीर राजपथ की दिखाऊं तो राजपथ पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से हालात यहां पर हैं। धुंध आपको नजर आएगी, यहां कुछ लोग मास्क लगाकर भी हमें नजर आ रहे हैं।
पोल्यूशन फिर से बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप मास्क लगा के? भैया प्रदूषण बढ़ी है जब तो आदमी लगा रहा है, आंख में जलन होती है और देख ही रहे मौसम कैसे खराब चल रहा है। आंखों में जलन होती है और क्या क्या दिक्कतें हो रही है? और सांसों में भी दिक्कत होती है ये प्रदूषण से, तो सांसों में भी दिक्कत। ऑटो चलाते हैं जी? हम ऑटो का ड्राइवर है। और ज्यादा हमें तो पूरा दिन रोड पे रहना पड़ता है, तो हमें और ज्यादा सेफ्टी चाहिए ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय चौधरी है। संजय जी बता रहे हैं कि ये ऑटो चलाते हैं, दिन भर इनको रहना पड़ता है सड़क पर, तो जाहिर है दिक्कत ज्यादा होगी। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में हालात बुरे हैं, आपात स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज और कल स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में ऑड इवन को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन तस्वीर अभी बेहद खराब है। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। आगो को देखिबा अन्य खबर, किंतु वर्तमान समय हो